सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इसको पढ़ लो अभी। तो मान लो कि आपके पास ये क्लॉक है, राइट? 5 और 6 के बीच, यानी कि 5 इधर और ये 6 इधर, इसके बीच इन दोनों के हैंड्स 3 मिनट्स अपार्ट कब रह सकते हैं, ये देखना है। 3 मिनट्स अपार्ट यानी, तो आपके पास कुछ इस तरीके से पहले की पोजीशन ये 5 बजे की, 5 और 6 के बीच चाहिए ना, तो 5 बजे की पोजीशन कुछ ऐसे आप मान लो। अब आपको क्या चाहिए, रिलेटिव मोमेंट चाहिए, तो आवर हैंड को आप कांस्टेंट पकड़ लो और मिनट हैंड घूमते हुए फॉर एग्जांपल यहाँ पर आएगा और इन दोनों के बीच का अब जो अंतर है वो 3 मिनट्स का है। अब 3 मिनट्स का ये अंतर है तो गेन हो गया ये आपका, ये है गेन। और ये गेन कितना है देखो, ये गेन मतलब यहाँ से इतना माइनस ये 3 मिनट्स, यानी कि एंगल 1 माइनस दिस गाय, दिस 3 मिनट वाला, इसको बोलेंगे हम एंगल 2, दैट इज़ द गेन। सो दिस एक्स इन मिनट्स हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। एंगल 1 जो कि 25 मिनट है, देखिए यहाँ से यहाँ तक 12 से लेकर 5 तक 25 मिनट्स माइनस 3 मिनट्स है, ये जो एंगल है ये 3 मिनट्स का है। सो यू हैव टू गेन 22 मिनट्स। नाउ इन ऑर्डर टू गेन 22 मिनट्स, मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड शुड बी, सो एक्स इक्वल टू 60/55 ऐसा होना चाहिए। कहाँ से आया पता है ना, 60 मिनट जब चलेगा तो गेन 55 का होगा, अगर 22 का गेन चाहिए तो x। तो इस तरीके से ये किया जाता है, समझ में आ गया, 60/55। सो इसको अगर करोगे तो 22, 11 2 ज़ा 22, 11 5 ज़ा और ये 12, सो 24 मिनट्स इट हैज़ टू मूव, दिस इज़ द मोमेंट ऑफ द मिनट हैंड। सो 5:24, 24 मिनट, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं 24 मिनट्स पास 5 o'क्लॉक। इसका दूसरा एक तरीका है, मतलब दूसरी केस है ये कि ये जो मिनट हैंड है वो पीछे रहने की जगह पर ऐसा आगे भी आ सकता है 3 मिनट, राइट? जब आगे आएगा 3 मिनट तो ये 25 और ये 3, 28 मिनट्स का गेन करना होगा। तो 28 मिनट के लिए मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड, रियल मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड विल बी 60/55 × 28 आएगी। तो इसका आएगा आंसर 31/5/11, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 31/5/11 past 5 o'clock। चलो इसे पढ़ लो। बेसिकली अब ये क्या चीज़ है, इसको ठीक से समझना होगा। मिनट हैंड और आवर हैंड को एक साथ आने के लिए कितनी देर लगती है, पहले इसको समझ लो। मान लो कि शुरू में मिनट हैंड और आवर हैंड, ये आवर हैंड है और आपका ये मिनट हैंड है यहाँ पर, तो पूरा एक चक्कर काटने के बाद, यानी कि इसका मिनट हैंड का जब एक चक्कर होगा तब क्या होगा ये पहले देख लो। मिनट हैंड यहाँ पर आएगा लेकिन आवर हैंड वहीं पे नहीं रहेगा, वो 1 बजे पर चला जाएगा, ये बात पहले समझ लो। तो एक चक्कर में अगर देखा जाए तो मिनट हैंड इतना गेन कर रहा है, यानी कि 55 मिनट्स का, यानी 60 मिनट मूव करने पर 55 मिनट का गेन होता है मिनट हैंड का ओवर आवर हैंड, ये तो हमको पता भी है। अब एक साथ आना है तो मिनट हैंड को और आगे जाना होगा और ये दोनों एक साथ कुछ यहाँ पर आएंगे, देखिए इस लाइन पर, मतलब मिनट हैंड इधर आएगा और वैसे आवर हैंड थोड़ा आगे आएगा, सो दे विल बी टुगेदर एट दिस लाइन समवेयर। इसका मतलब है अगर आप देखोगे रिलेटिव मोशन से तो मिनट हैंड को ऐसा जाके फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, यानी मिनट हैंड हैज़ टू गेन
60 मिनट, ये उनके एक्चुअल मोशन यहाँ पे मैंने बताई थी। अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन बता रहा हूँ। अगर आवर हैंड को फिक्स रखोगे तो मिनट हैंड जितना मूव करता है उसको गेन कहा जाता है, राइट। गेन इज़ द रिलेटिव मूवमेंट विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड, और एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मिनट हैंड इज़ डिफरेंट थिंग। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मिनट हैंड से मूवमेंट ऑफ आवर हैंड अगर आप निकालोगे, मूवमेंट मतलब एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड, तो आ जाती है गेन ऑफ मिनट हैंड ओवर आवर हैंड। उसे रिलेटिव मूवमेंट या फिर रिलेटिव एंगल ट्रेवल्ड या फिर रिलेटिव मोशन ऑफ या फिर रिलेटिव एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिनट हैंड विथ रिस्पेक्ट टू आवर हैंड भी कहा जाता है। सो गेन ऑफ द मिनट हैंड टू कम टुगेदर अगेन इज 60 मिनट्स। हमको 60 मिनट का गेन चाहिए। तो गेन 60 मिनट होने के लिए रियल मूवमेंट ऑफ द मिनट हैंड कितनी होनी चाहिए हमको बताए। 60 डिवाइडेड बाय 55 मल्टीप्लाइड बाय 60, तो ये आता है आपका 65 5 बाय 11। इतने मिनट में ये दोनों और एक बार एक साथ आ जाते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में क्या बोला गया है कि वे दोनों मतलब मिनट और आवर हैंड एक साथ आ रहे हैं आफ्टर 65 मिनट, जबकि एक्चुअली आनी चाहिए 65 एंड 5 बाय 11 टाइम में एक साथ। इसका मतलब है ये 65 पॉइंट समथिंग है, लेटेस्ट से 65.1 है, लेटेस्ट से मैं बोल रहा हूँ, या फिर नियरली 60.4 आ जाता है। तो 65.4 मिनट में एक साथ आना चाहिए, लेकिन ये जो क्लॉक है जो कि फॉल्टेड क्लॉक है वो 65 मिनट में ही साथ में आ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, देखिए ओरिजिनली आवर हैंड यहाँ पर था, राइट, मिनट हैंड यहाँ से शुरू हुआ, और देखिए 65.4 को वो यहाँ पर आ रहा है मिनट हैंड, मतलब फिर से उसी जगह पर आ रहा है। मैं रिलेटिव मोशन यहाँ पे बता रहा हूँ, आवर हैंड को फिक्स रख के 65.4 को वो यहाँ पर आ रहा है, मतलब फिर से एक बार उसके साथ आ रहा है आवर हैंड के साथ, लेकिन 65 मिनट को वो थोड़ा पीछे रहेगा, राइट। मतलब कुछ ऐसा ऐसा, मतलब मिनट हैंड एक्चुअली 65 मिनट को कुछ पीछे रहेगा। मैं कुछ ज़्यादा दिखा रहा हूँ समझने के लिए। सो ये जो मूवमेंट है मिनट हैंड की, ये 65 मिनट तक होगी, और फिर से ये यहाँ से यहाँ पर पहुँचेगा कब, या फिर इधर से दिखाता हूँ, इधर से यहाँ पर कब पहुँचेगा। सो रियलिटी में 65.4 मिनट के बाद वो फिर से आवर हैंड के साथ जाना चाहिए, लेकिन अपनी जो ये फॉल्टेड क्लॉक है वो आफ्टर 65 मिनट यहाँ रहने की जगह पर वो यहाँ पे चला रहा है। मतलब अपना मिनट हैंड जो इस क्लॉक का है वो थोड़ा फास्ट दौड़ रहा है, इसीलिए वो गेन करेगा, लूज़ नहीं करेगा। देखिए गेन करने का मतलब जब क्लॉक फास्ट दौड़ती है तो उसे बोलते हैं द क्लॉक विल गेन, जब स्लो दौड़ती है तो उसे बोलते हैं क्लॉक विल लूज। इसका मतलब है एक दिन में मान लो 24 आवर्स होने चाहिए और क्लॉक एक दिन में 25 आवर्स दौड़ रही है, तो हम बोलेंगे क्लॉक इज़ गेनिंग 1 आवर पर डे। उसकी जगह पर 24 की जगह पर वो 23 आवर ही दिखा रही है, तो इसे बोलते हैं कि क्लॉक इज़ लूजिंग 1 आवर पर डे। ये बात ख़त्म हो गई, राइट, गेनिंग और लूजिंग का मतलब। अब यहाँ पे ये तो बात क्लियर हो गई कि द मिनट हैंड विल गेन, अब एक दिन में कितना गेन करेगा ये देखना है। अब हमको ये तो पता चला कि 65 मिनट्स में यहाँ रहने की जगह पर वो यहाँ रह रहा है, यानी कि वो इतना गेन कर रहा है इन 65 मिनट्स, रियल 65 मिनट में वो इतना गेन कर रहा है। इतना मतलब कितना, सिंपल सी बात है, 65.4 माइनस दिस, यानी कि यहाँ पे लिखूँगा मैं गेन इन 65 मिनट्स इज इक्वल टू 65 5 11, यानी कि ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर ये पूरा एंगल माइनस यहाँ से लेकर ये एंगल, यानी कि 65, तो ये इसका आंसर आता है 5 बाय 11 मिनट्स का गेन कर रहा है वो। अगर 65 मिनट में इतना गेन कर रहा है, देखो मिनट्स गेन, अगर वो 65 मिनट्स में 5 बाय 11 का गेन कर रहा है, तो पूरे दिन में, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440, इतने मिनट में वो कितना गेन करेगा।
सो दिस गेन इन वन डे विल बी एक्स इक्वल 5/11 मल्टीप्लाइड बाय 1440 डिवाइडेड बाय 65 आएगा. सो इट विल गेन 10/43 मिनट्स इन वन डे. ये बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे गेन क्यों हुआ और कितना हुआ, एक दिन में इतने मिनट का गेन करेगा ये क्लॉक.